ओम शांति। सर्वशक्तिमान बाबा कहते हैं, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सदा स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा अनुभव करो। जो संपन्न होता है वो सदा अचल होगा, वो कभी भी हलचल में नहीं आएगा। संपन्नता की निशानी है अचल स्थिति। आत्मा जितनी खाली होती है उतनी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना हलचल मर्ज होती जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो तो संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा सर्व परमात्मा खजानों से भरपूर, सर्व परमात्मा शक्तियों से संपन्न। सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों से स्वयं को संपन्न अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो संकल्प करते हो वो कर्म में लाने वाले। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और वो श्रेष्ठ संकल्प कर्म में ना ला सके। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जितना श्रेष्ठ संकल्प उतना ही श्रेष्ठ कर्म करने वाले। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर चलती है, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी इतने कंट्रोल में हो कि जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिन्हें विघ्नों की भी नॉलेज है, ऐसी ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल आत्मा पर विघ्न वार कर नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात अपनी ज्ञान की शक्ति से, नॉलेज की शक्ति से विघ्नों पर विजयी बनने वाले। तो चलिए सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर बाबा ने दिए हुए इस दिव्य ज्ञान को अपने बुद्धि में समाकर स्थित कर दे स्वयं को
अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के टाइटल की स्मृति में। तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक प्रकाश पुंज हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान बाबा ने अपनी सर्वशक्तियां मुझे विल कर दी है। बाबा ने अपने सर्व खजाने मुझे विल कर दिए हैं। मैं सर्व खजानों से भरपूर हूं। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। सर्व परमात्मा खजानों से संपन्न मैं आत्मा अचल हूं। संकल्प वाणी और सम्मन संपर्क में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। एकदम अचल संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल। अनुभव करे मुझ आत्मा का मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सबको मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मैं हलचल से परे अचल हूं। ये अचल घर मेरा ही तो यादगार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो भी संकल्प करूं उसे कर्म में ला सकता हूं।
जो चाहूं वो कर सकता हूं। संकल्प और बोल दोनों एक समान। संकल्प और कर्म दोनों एक समान। जितना श्रेष्ठ संकल्प उतना ही श्रेष्ठ कर्म। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरा मन बुद्धि संस्कार रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी संपूर्ण कंट्रोल है। मैं जिस समय जो संकल्प करना चाहूं वही संकल्प करता हूं। मैं कंट्रोलिंग पावर से संपन्न हूं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर की जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति मैं कार्य में ला सकता हूं। सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में कि जिस समय जो शक्ति चाहूं कार्य में लगा सकता हूं। मैं ऐसा शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अपनी नॉलेज की शक्ति से ज्ञान की शक्ति से विघ्नों पर भी सदा विजयी बनता हूं। अब कोई भी विघ्न मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा पर वार कर नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा किसी भी विघ्न से हार खा नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा विघ्न जीत हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित रहकर एक रस स्थिति का अनुभव। उड़ती कला का अनुभव। अनुभव करे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा
उड़ती कला में उड़ते हुए स्थित हो जाता हूं। ऊंची स्थिति रूपी ऊंची पहाड़ी पर मैं देख रहा हूं सारी आत्माओं को। सर्वात्माएं अति कमजोर है। जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। इन कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। मुझे इन सर्व आत्माओं को शक्ति देनी है। अनुभव करे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा इन सर्व आत्माओं को शक्ति की किरणें दे रहा हूं। कमजोर आत्माओं में शक्ति भर रहा हूं। सर्वात्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति प्राप्त हो रही है। सभी आत्माएं अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सक्षम अनुभव कर रही है। ओम शांति।